नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, अभी विंटर आ चुका है तो विंटर फ्लावर में सबसे पहला नाम जो आता है वो है पिटूनिया का प्लांट। तो यहाँ पर देखिए, मेरे 5 पिटूनिया के प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं 10 प्लांट लेके आई थी और सिर्फ 5 को ही लगाई थी और इसका कोई भी वीडियो भी नहीं बनाया है। तो और 5 प्लांट्स हैं जिसको मैं लगाने वाली हूँ आज। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे लगाती हूँ और किस तरह का पॉटिंग सॉइल में, सॉइल मिक्सचर जो है वो पॉटिंग मिक्स में क्या लेती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है 5 प्लांट जिसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक ही साथ मैंने लिया था ये 5 प्लांट और ये 5 प्लांट। तो पॉट्स में सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब खाली कर नहीं कर पा रही थी इसलिए। तो ये देखिए, ये 4 में तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है पर इसमें अभी फ्लावरिंग बाकी है और मुझे लगता है शायद ये वाला कलर इसका भी आएगा, ये वाला कलर ही आएगा मुझे लग रहा है। ये देखिए, साइड से ये किनारे किनारे वाइट है, बहुत ही बढ़िया। और ये तो स्टार पिटूनिया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा। और ये सारे के सारे सिंगल पेटल ही हैं और इसका डबल पेटल भी आता है पर मेरे पास ये वाला ही निकले हैं अभी और बहुत ही खूबसूरत कलर सब निकले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर सॉइल मिक्सचर लिया है, ये देखिए, ये है पुराना गार्डन सॉइल, पुराना गार्डन सॉइल है। मैंने पुराने प्लांट्स को निकालकर इसको धूप दिखाकर सुखाकर रखा हुआ था, छान भी लिया है, देखिए किस तरह से बारीक है बिल्कुल। और यहाँ पर लिए है मैंने कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट है ये। आपके पास जो भी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो या फिर काउडंग कंपोस्ट हो तो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है ये एप्सम सॉल्ट है और यहाँ पर ये बोन मिल है और थोड़ी सी मैंने ली है फंगीसाइड और यहाँ पर ये नीम खली और ये रही कोकोपीट। तो कोकोपीट मिलाना ज़रूरी होता है प्लांट में क्योंकि ये जो विंटर प्लांट्स होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं और ये वेल ड्रेन मिट्टी ही इनको चाहिए होता है। मॉइस्चर भी इनमें रुका रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए मिट्टी, इसलिए कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करता है और नमी बनाकर रखता है मिट्टी में। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये मैंने मिट्टी को पहले मिला लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए मेरा रियो भी आ चुका है यहाँ पर काम करने के लिए, रियो। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा काम बीच में फिर रुक जाएगा इसको देखते देखते। इस तरह से अच्छी तरह से बस मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है। और इसके लिए मैंने ली है ये चौड़ाई वाले पॉट लिए हैं, ये देखिए ये 2 नए पॉट्स हैं और यहाँ पर ये 3 पॉट हैं जो कि यूज्ड पॉट हैं और इसी में मैं अभी लगाऊंगी प्लांट्स को। तो पहले ये जो छेद मैंने बनाई है, ये सारे जो छेद हैं, ड्रेनेज होल हैं, इनको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। थोड़े थोड़े मिट्टी अभी डाल देंगे। चौड़ाई वाले पॉट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है बिल्कुल पॉट को कवर कर लेता है, फैल जाता है बिल्कुल और पॉट को बिल्कुल कवर कर लेता है और पूरा पॉट भर जाता है फूलों से। तो इसलिए हम इस तरह का पॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 8 इंच के पॉट में भी आप लगा सकते हैं पर उससे थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल जाएगा फिर प्लांट।
तो इसलिए मैंने इस तरह का पॉट लिया है। और एक एक प्लांट को पहले मैं निकालूंगी और उसके बाद ये प्लांट को लगाऊंगी। एक हाथ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इनको पहले निकाल लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये प्लांट को बाहर निकाल लिए और इससे नीचे नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को हटा दिए। देखिए एक थोड़ा सा हार्ड मिट्टी है और इसमें नर्सरी वाले ने जो लगाया है इसमें अच्छी तरह से गोबर का खाद मिलाया हुआ है, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी ये मिट्टी को। बस ये वाले प्लांट को इस तरह से मैं अभी लगा दूँगी। इसमें थोड़ी से और मिट्टी दे देते हैं। इस तरह से और चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे ताकि ये प्लांट अच्छी तरह से फिर सेट हो जाए और ये पॉट को बिल्कुल भर ले। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा टैप कर सकते हैं आप, इससे भी मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाता है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है चारों तरफ। ये एक प्लांट लग गया है तो दूसरा प्लांट हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम चारों प्लांट को लगा लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, इसको आप सनलाइट में रखें, दिन का सुबह का जो सनलाइट है 12 बजे तक का सनलाइट, इसको बहुत बढ़िया काम आएगा इसका। तो फ्लावरिंग करने में इसको बहुत बढ़िया मदद मिलेगा। सुबह का जो सनलाइट होता है ना, 7 से 12 बजे तक का धूप इसको बहुत बढ़िया होगा। और जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, अभी विंटर प्लांट का जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, सीजनल प्लांट है, इसको अभी सनलाइट की ज़रूरत होगी फ्लावरिंग के लिए। तो बेहतर है कि इस तरह का जगह आप सिलेक्ट करें ये प्लांट को रखने के लिए, जहाँ पर इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाए। और पानी बस देखकर ही देना चाहिए, जब मिट्टी इनकी गीली हो तभी बिल्कुल भी मिट्टी में पानी नहीं देना चाहिए, और जब मिट्टी सूख जाए तभी इनमें पानी देना चाहिए। और इसको आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये अभी छोटा प्लांट है तो मैं इसकी कटिंग्स नहीं ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से एक फ्लावर हो चुका है तो यहाँ पर ये बीज बन रहा है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बीज है। तो अगर आपको चाहिए बीज तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप पिंचिंग कर दें। ये देखिए इस तरह से पिंचिंग कर दें। ये देखिए ये है बीज इसका। ये जब सूख जाते हैं इससे बहुत सारे बीज निकलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बीज निकलते हैं। और इसको अगर आप डालते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप इस सीज़न में ना लगाएं तो दूसरे सीज़न के लिए भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये दो प्लांट को लगा लिया है और 3 प्लांट को भी मैं बाद में लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स को मैंने लगा लिए हैं। ये 5 प्लांट है, प्लांटर में लगाने से देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी हम जो पानी देंगे, थोड़ी से अच्छे से पानी इनमें डाल देंगे ताकि मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से भीग जाए। और फिर जब हम पानी देंगे तो मिट्टी को चेक करके फिर उसके बाद ही इनमें पानी डालेंगे। ये देखिए, वैसे हर रोज़ इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, और 2 दिन या 3 दिन में एक बार पानी डालेंगे तो भी चलेगा। मिट्टी को देखकर ही पानी डालना है, अगर सूख जाता है तो पानी डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। नहीं तो फिर ये प्लांट ओवर वाटरिंग से भी ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, फंगस रोग लग जाते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने पानी दे दिया है, अभी 3 दिन के बाद ही मैं इनमें पानी दूँगी। और फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं इनमें मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र का अप्लाई भी कर दूंगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ,
फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।